रेफरेंस सत्यनारायण लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का एक नया क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश हायर जुडिशल सर्विसेज और बिहार हायर जुडिशल सर्विसेज में पहले से पूछा जा चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का नया क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन है, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट टू डिसाइड द डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय एनी एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। कहने का तात्पर्य है कि किसी भी न्यायालय का क्षेत्राधिकार अगर कोई विवाद को निपटारा करना है, उससे संबंधित क्षेत्राधिकार किसी भी न्यायालय का किसी कॉन्ट्रैक्चुअल यानी कि संविदा संबंध के आधार पर निर्मित नहीं होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि पक्षकार आपस में समझौता करके किसी विवाद को सुलझाने के लिए किसी न्यायालय का क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं कर सकता। ठीक है, इसको दूसरी तरह से बिहार एचजे से पूछा गया था कि डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ चॉइस ऑफ ज्यूरिडिक्शन विस-अ-विस अंडर सेक्शन 28 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। दोनों क्वेश्चन ये यूपी एचजे से पूछा गया था। दोनों क्वेश्चन का तात्पर्य एक ही है, सेक्शन 28 से ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो फ्रेंड्स, आपको बताते चले कि किसी भी न्यायालय का क्षेत्राधिकार इट इज अ मैटर ऑफ लॉ, ये एक सब्सटेंशियल लॉ है जो कि हमारे सिविल प्रोसीजर कोड में दिया हुआ है कि कौन सा मामला कहां पर लाया करेगा, जो कि सेक्शन 1450 से स्टार्ट होकर 20 तक जाता है। याद रखिएगा कि किसी भी न्यायालय का क्षेत्राधिकार तीन ग्राउंड पे तय होता है। क्षेत्राधिकार के डिस्प्यूट चाहे वो सूट से रिलेटेड हो, अपील से हो या एप्लीकेशन से संबंधित हो, उसके क्षेत्राधिकार तीन राउंड पे होते हैं। पहला लोकल यानी टेरिटरी ज्यूरिडिक्शंस, पिकुनरी मतलब मॉनेटरी यानी कि जो सूट में जो मनी इन्वॉल्व है, पिकुनरी या अमाउंट ऑफ द सूट, वो उस पर डिसाइड होता है। और तीसरा सब्जेक्ट मैटर यानी कि डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी क्या है, यानी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, डिस्प्यूटेड अमाउंट है और किस क्षेत्र में वो आ रहा है, इस तीन चीज पे किसी कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन तय होता है, न कि किसी पार्टी के एग्रीमेंट के द्वारा या कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप्स यानी कि संविदा के अंतर्गत कोई क्षेत्राधिकार तय नहीं होता है। सिवाय क्योंकि सेक्शन 28 कहता है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, किसी प्रकार का करार हम करते हैं किसी विधिक प्रक्रिया को रोकने के लिए, तो वो वॉइड माना जाता है, एक्सेप्ट कॉन्ट्रैक्ट टू रिफर आर्बिट्रेशन। याद रखिएगा कि ऐसा कोई संविदा पार्टी ने कर रखा है कि हम अपने मामले को किसी आर्बिट्रेशन मध्यस्थता के माध्यम से उसे सुलझाएंगे, तो वो कर सकते हैं, लेकिन किसी न्यायालय का क्षेत्राधिकार वो तय नहीं कर सकते करार के द्वारा। हमारे पास दो लैंडमार्क जजमेंट है। पहला है हाकिम सिंह या हकीम सिंह वर्सेस जेमन इंडिया लिमिटेड 1971 सुप्रीम कोर्ट। हाकिम सिंह वर्सेस जेमन इंडिया लिमिटेड 1971 सुप्रीम कोर्ट, इसमें कहा गया है कि अगर कोई ऐसा विवाद है जो दो से अधिक न्यायालय में आ रहा है, याद रखिए कोई ऐसा विवाद है जो दो से अधिक न्यायालय यानी न्यायालय ए, न्यायालय बी, न्यायालय सी में अगर आ रहा है, तो उसमें पार्टी अपने करार के द्वारा वो तय कर सकते हैं कि अपने विवाद को वो न्यायालय ए में या बी में या सी में अपने विवाद को सुलझा सकते हैं बस। लेकिन ऐसा कोई विवाद जो इन तीनों क्षेत्र में नहीं आ रहा है, तो ऐसा क्षेत्राधिकार वो करार के द्वारा किसी न्यायालय को प्रदान नहीं कर सकते,
अगर न्यायालय का क्षेत्राधिकार पहले से ही दो तीन न्यायालय, दो या तीन न्यायालय के क्षेत्र में वो डिस्प्यूट आ रहा है, तो किसी एक न्यायालय में पार्टी अपने करार के माध्यम से अपने विवाद को सुलझा सकते हैं। लेकिन अगर किसी न्यायालय में कोई क्षेत्राधिकार नहीं आ रहा है, तो उसको पार्टी अपने करार के द्वारा कभी भी उस क्षेत्राधिकार को प्रदान न्यायालय को नहीं कर सकता है। याद रखिए, हकीम सिंह में एक बात कही गई है कि अगर दो से अधिक क्षेत्राधिकार में अगर कोई विवाद आ रहा है, तो किसी एक न्यायालय में पार्टी अपने अग्रीमेंट के माध्यम से उसको सुलझा सकते हैं। लेकिन अगर सीपीसी के जुरिडिक्शन के क्षेत्र में सेक्शन 15 से 20 में किसी भी सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के जो प्रावधान दिए गए हैं 15 से 20 तक में, अगर किसी में भी वो क्षेत्राधिकार, वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी का जुरिडिक्शन नहीं आ रहा है, तो फिर वो पार्टी अपने करार के द्वारा किसी भी न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं कर सकते। ठीक। दूसरा है, केस है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1992 सुप्रीम कोर्ट। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1992 सुप्रीम कोर्ट। इसमें यह हेल्ड किया गया है कि अगर किसी एग्रीमेंट, यानी कि याद रखिएगा, ये न्यू इंडिया एश्योरेंस का है होता है, और इंश्योरेंस या अश्योरेंस कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में साइड टर्म्स लिखे होते हैं। अगर ये अश्योरेंस कंपनी में ये साफ साफ करार में, अग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि कोई भी विवाद अगर होता है, तो करार खत्म होने के 6 महीने के अंदर, करार खत्म होने के 6 महीने के अंदर जो अग्रिम पार्टी है वो मुकदमा ला सकते हैं। लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद वो डिस्प्यूट जो करार के द्वारा हुआ, करार खत्म हो गया, तो फिर वो किसी भी न्यायालय में वो नहीं आ सकता। ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी में हेल्ड किया गया है। यानी कि अगर किसी करार के माध्यम से एक लिमिटेशन दे रखा है, यानी कि एग्रीमेंट फॉर लीडिंग टू द लिमिटेशन फॉर फाइलिंग द सूट, तो अगर किसी करार में या किसी एग्रीमेंट में एक टाइम पीरियड दिया हुआ है, से 3 मंथ्स या 6 मंथ्स, जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, तो विद इन 3 मंथ्स या विद इन 6 मंथ्स के अंदर अगर वो डिस्प्यूटेड व्यक्ति या ग्रीव पार्टी कोई एग्रीमेंट से रिलेटेड कोई मामले को लाना चाहता है कोर्ट में, तो वो सूट फाइल कर सकता है। लेकिन एक बार लिमिटेशन खत्म हो गया, तो यू समझिए कि राइट टू फाइल अ सूट ही खत्म हो गया, आपका अधिकार ही खत्म हो गया है। तो उस केस में लॉ ऑफ लिमिटेशन के अंतर्गत किसी कोर्ट के पास जुडिक्शन आएगा, और लिमिटेशन खत्म हो गया तो जुडिक्शन भी खत्म, यानी राइट ही खत्म हो गया है, तो ऑटोमेटिक क्षेत्र की बात ही नहीं होगी। तो ये इस कानून में कहा गया है, और हकीम सिंह में कहा गया है कि हम करार के द्वारा जो सीपीसी के माध्यम से किसी न्यायालय में जुडिक्शन नहीं आ रहा है, तो फिर हम किसी न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं दे सकते, चाहे लोकल हो, पिकुलरी हो या सब्जेक्ट मैटर हो। ठीक है, लेकिन अगर पहले से कोई डिस्प्यूट ऐसा है जो 2 या 3 से न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आ रहा है, तो पार्टी अपने करार के माध्यम से किसी एक न्यायालय में अपने विवाद को सुलझा सकते हैं। बस यही 2 क्वेश्चन का तात्पर्य है, चाहे ये क्वेश्चन हो चाहे ये क्वेश्चन हो। सेक्शन 28 का पूरा डिस्क्रिप्शन इस 2 केस लॉ के माध्यम से सॉल्व करना होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कृपया ऐसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो में हम फिर नए प्रश्न के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।